हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं एक एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ, हाइलाइटर अंडर फाउंडेशन। ये तो आपने सुना ही होगा, काफ़ी सारे वीडियो में भी मैंने देखा, आजकल बहुत चर्चे में है एक्चुअली ये हाइलाइटर अंडर फाउंडेशन। तो आज की इस वीडियो में मैं भी अपने फाउंडेशन के नीचे हाइलाइटर अप्लाई करने वाली हूँ और फिर हम देखेंगे कि ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, कितना अच्छा रिजल्ट होता है या कितना बुरा रिजल्ट होता है। तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। जस्ट लुक एट माई फेस, ये कितना ग्लो कर रहा है। एक्चुअली मेरी तो ऑयली स्किन है, लेकिन लुक एट दिस। हाइलाइटर हैव डन। अभी मुझे फाउंडेशन लगाना है अपने स्किन में और फाउंडेशन मैं अप्लाई कर रही हूँ फिट मी फाउंडेशन शेड 128 वार्म न्यूट। मैं नॉर्मली फाउंडेशन लगाने वक्त ऐसे डॉट कर लेती हूँ, फिर इसे ब्लेंडर के मदद से ब्लेंड कर लेती हूँ अच्छी तरह से। आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ ब्रश, सो मैं ब्रश के साथ कभी नहीं जाती हूँ। ओ माय गॉड, दिस इज जस्ट मैजिक। Wow. It is amazing. Trust me. Perfect shimmery type. क्योंकि मेरा foundation जो है ये matte है, तो इसके ऊपर एक शिमरी इफेक्ट आ रहा है और ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इसका बेस, मतलब जो बेस आज मैंने क्रिएट किया है, आज तक कभी मैंने ऐसे बेस क्रिएट नहीं किया है।
ये बहुत अच्छा लगा मुझे। एक्चुअली ये शेड मुझे अच्छा जाता नहीं है, ये मेरी जो शेड है उससे और ज़्यादा लाइट है, तो मैं इसके साथ 230 मिक्स करके लगाती हूँ तो मेरा परफेक्ट शेड जो है वो आ जाता है। ये थोड़ा सा लाइट हो गया है मेरी जो स्किन टोन है उसके हिसाब से, बट मुझे देखना था एक्चुअली फिनिशिंग कैसा देता है हाइलाइटर के ऊपर इस्तेमाल करने के बाद, और मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसके बाद से मैं डेफिनेटली हाइलाइटर ही इस्तेमाल करने वाली हूँ फाउंडेशन के नीचे। गाइस ट्रस्ट मी, आप किसी वेडिंग फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा फिनिश दे रहा है। मतलब जो शिमरी एक फिनिश है इसके लिए हम अलग से कुछ लिक्विड हाइलाइटर मिक्स करके फाउंडेशन के साथ लगाते हैं, या फिर जो आई थिंक एक कलर बार का एक शिमर डस्ट है उसे भी हम अप्लाई करते हैं फाउंडेशन के साथ, लेकिन ये तो बस मैजिक हो गया, बहुत अच्छा लगा मुझे, मुझे काफी पसंद आया एक्चुअली। सो लुक एट माय फेस, ये ग्लो कर रहा है, तो मेरी तरफ से तो थम्स अप है, तो आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं ज़रूर। मेरे ख्याल से डायरेक्ट आप वेडिंग फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं उस वक्त आप इस्तेमाल करने से बेहतर होगा, आप पहले एक बार घर में ट्राई कर लीजिए और ये कितना ज़्यादा आपको सूट करता है ये आप देख लीजिए, फिर आप मतलब बस डेफिनेटली यू विल फॉल इन लव विद दिस मैजिक, आई जस्ट लव दिस। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे और ज्यादा बताइए, कंटेंट बोलिए, क्या किसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं वो मुझे बताइए। तो बस इतना ही, बाय।